नमस्कार किसान भाइयों, आपका दोस्त आपका भाई देशराज बिरथल। किसान भाइयों, आज मैं आपको पपीते से रिलेटेड, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सर्दी पपीते को लगती है और सर्दी के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर क्या होता है सर्दियों के अंदर, पूरी सर्दी के अंदर पपीते के फ्रूट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो किसान भाइयों, ये है वो प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक एंड फॉलो करें। किसान भाइयों, ये है पपीता, देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही भयंकर रोग है, फंगस से रिलेटेड है, सिस्टमैटिक फंगस है ये, ठीक है। किसान भाइयों, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो रोग है छोटे छोटे दानों से स्टार्ट होता है, ठीक है, बाद में ये आकार ले लेता है जिससे आपकी पूरी फसल को खराब कर देता है। अब इसका करते उपचार, क्योंकि हम प्रॉब्लम बताते हैं तो उपचार भी तो बताना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसको रोग को बोलते हैं एंथ्रेक्नोज रोग, और इसके लिए आपको सिस्टमेटिक फंगिसाइड आता है कैप्टन 75%, वो यूज कर लेना, टाटा का आता है, मैं साइड में आपको फोटो डाल दूंगा, आप ले लेना, सबसे बेस्ट ब्रांड मानता हूं मैं टाटा को, कैप्टन 75, उसका ब्रांड नेम आता है शायद ताकत के नाम से आता है, उसका स्प्रे कर देना 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और हर 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन में रिपीट करना, फिर 15 दिन में ये रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। बाद में कभी भी ये रोग आपके पपीते में लगभग एक बार खत्म कर दो तो 3-4 साल देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादातर मोस्टली इफेक्ट सर्दी कारण होता है, मेरे भी क्या हुआ था 3 साल पहले सर्दी पड़ी थी, तब ये इफेक्ट आया था, अब फिर इफेक्ट आया है, ठीक है। किसान भाइयों, इस रोग के लिए आपको कैप्टन डालना है। अगर आपके पत्ते मुड़े हुए हैं, मतलब जैसे मैं फोटो डालता हूँ आपके उधर, तो आप मेलाथियन का स्प्रे कर लेना और सिस्टमेटिक फंगिसाइड डालना है, तो दोनों स्प्रे अच्छी तरह काम करेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।